स्वास्थ्य विभाग द्वारा डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति सार्थक ऐप के माध्यम से दर्ज किए जाने के आदेश का विरोध सामने आने लगा है। अलीराजपुर जिले के जोबट में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने काली पट्टी बांध कर काम करना शुरू कर दिया है। अलीराजपुर जिले में मध्य प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ के बैनर तले स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ ने काली पट्टी बांध कर कार्य किया और सार्थक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज किए जाने की प्रक्रिया का विरोध किया। दरअसल विभाग के कर्मचारियों का आरोप है कि सार्थक ऐप में कई विसंगतियां हैं, जिसकी वजह से आए दिन कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सा अधिकारी संघ ने सरकार से मांग की है कि सार्थक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज किए जाने संबंधित आदेश तत्काल वापस हो तथा इसे स्वास्थ्य विभाग के अलावा शासन के समस्त विभागों पर भी लागू किया जाए। अपनी मांगे न मानने पर चिकित्सा अधिकारी संघ ने सार्थक ऐप का बहिष्कार करने की बात भी कही है। भारत सरकार द्वारा हेल्थ डिपार्टमेंट में सार्थक ऐप लागू किया गया, जिसके द्वारा हेल्थ डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारियों को सार्थक ऐप के थ्रू अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है। ये मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लागू किया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में नर्सिंग ऑफिसर की इतनी उपलब्धता नहीं है कि हमारे द्वारा ये कार्य संभव हो। हेल्थ डिपार्टमेंट में ही क्यों ये ऐप लागू किया गया, हर डिपार्टमेंट में होना चाहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट में बस ये है और इतनी कमी होने के कारण हम ये नहीं कर सकते, इसलिए हम इसका समर्थक नहीं करते सार्थक ऐप का। अदर डिपार्टमेंट में हो तो समर्थक कर सकते हैं, लेकिन ये इसी डिपार्टमेंट में है, इसलिए हम इसका समर्थक नहीं कर रहे हैं और हमने काली पट्टी बांध रखी। देश में मध्य प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में सभी जिलों में आज काली पट्टी बांधकर काम किया जा रहा है, क्योंकि सरकार के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है जिसमें सभी चिकित्सा अधिकारी और जो पैरामेडिकल स्टाफ है हमारा, उनकी अटेंडेंस सार्थक ऐप के माध्यम से ली जाना है, जिसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। प्रदेश भर में चिकित्सा अधिकारियों की भारी कमी है, नर्सिंग स्टाफ्स की भारी कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी है। पहले उनको उनके पदों को भरा जाए, उसमें जो विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाए, उसके और जो चीज़ें हैं सार्थक ऐप में वो सिर्फ स्वास्थ्य विभाग पर ही क्यों डाला जा रहा है। ये मध्य प्रदेश शासन के अधीन जितने भी गैर शासकीय, अर्धशासकीय और शासकीय जितने भी अधिकारी कर्मचारी मध्य प्रदेश शासन के अधीन काम कर रहे हैं, उन सब के लिए लागू एक साथ किया जाना चाहिए, तो हम इसका भी स्वागत करेंगे। लेकिन सिर्फ स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के ही अधिकारी कर्मचारियों के लिए अगर इसको लागू किया जाए तो हम इसका बहिष्कार करते हैं और पूरी तरह से इसकी निंदा करते हैं। जब तक कि ये जो विसंगतियाँ हैं इस सार्थक ऐप की, उसको दूर नहीं किया जाता, जब तक पूरे विभागों के लिए इसको लागू नहीं किया जाता, तब तक हम इसका विरोध करते रहेंगे और काली पट्टी बांधकर हम इसका काम, हमारा नियमित काम करेंगे। साथ ही अगर मध्य प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ का आह्वान होता है, आगामी जो भी रणनीति होगी उसको भी हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ। अलीराजपुर से सुमित सालवी की रिपोर्ट।